में हमारे जो गुड्डू है ना, इन दिनों बड़े खुश हैं। नहीं इसलिए नहीं क्योंकि उनके सर पर झमाझम बरसात घूम रही है और झमाझम बरस रही है। मुंबई वाले यू नो दे हैव द प्रिविलेज ऑफ द रेन्स, लेकिन इसलिए क्योंकि वो जो फुंटी है ना, वो धीरे धीरे उनके करीब आ ही रही है। क्या बताएं, आपके सामने आंखों देखा हाल तो दिख ही रहा है। फुंटी और गुड्डी की ये है लव स्टोरी, जो कभी टूटती है तो कभी एक दूसरे के करीब आ जाती है। लेकिन इस फोटो शूट को देखकर अब ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। तारा की प्री वेडिंग फोटोशूट चल रही है, जो कि हमारे क्लाइंट है, और बट गुड्डू मौका नहीं छोड़ता है। जहाँ पे भी ऐसा कुछ मौका मिले कि वो फुंटी के करीब जा सके या उसको इम्प्रेस कर सके, तो यहाँ पे भी ऐसा ही किया उसने। मौके पे चौका मारा है। ध्रुव और तारा अच्छे से पोज नहीं कर रहे थे, तो वो दिखाने के बहाने कि कैसे आपको पोज करना चाहिए, कैसे अपने पार्टनर को पकड़ना चाहिए, कैसे फील करना चाहिए, उस तरीके से अपनी सारी फीलिंग फुंटी को बता देता है। गुड्डू तो पहले से ही चाहता है अपनी फुंटी को, लेकिन फुंटी को एक कुछ गलत फहमी हो गई थी, तो लगता है अब वो गलत फहमी दूर हो गई है। फुंटी तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि गुड्डू से इम्प्रेस हो, लेकिन कहीं ना कहीं वापस उससे प्यार करने लग गई है फुंटी, और उसकी बातों में खो जाती है, उसको अच्छा मानने लग गई है फिर से। तो कहीं ना कहीं गुड्डू की चीज़ें काम कर रही है। अब एक प्रोजेक्ट के चलते ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे और उसके बाद इनकी लव स्टोरी एक बार फिर से शुरू होगी। अब जैसा कि हमें पता चला है, इस सीरियल जल्द ही बंद होने वाला है, तो लगता है इन मेकर्स ने डिसाइड किया है कि एक हैप्पी नोट पे इस सीरियल को बंद किया जाएगा। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। माननी पड़ेगी, छोटे पर्दे पर ना थप्पड़ मारना इज नो बिग डील। आए दिन कोई किसी को तमाचा जड़ ही देता है, लेकिन कंपटीशन हो थप्पड़ मारने का, ये कभी सुना है? वेल, ये भी हो गया भाभी जी के मोहल्ले में। अब भाई क्या करें, तिवारी जी और विभूति नारायण जब कोई काम करने उतरते हैं तो बस ऐसा ही होता है। विभूति और तिवारी के बीच शुरू हुआ है चांटे का कंपटीशन। दोनों एक दूसरे के गाल पर मार रहे हैं तमाचे, वो भी बारी बारी से और नाप नाप के। और ये कंपटीशन करवा रहा है पेलू, और विभूति तिवारी ये कंपटीशन कर रहे हैं पेलू की साइकिल रिक्शा चलाने के लिए। मैं ये रिक्शा एक ही शर्त पर दूंगा, तुम दोनों को एक दूसरे को जोरदार चांटा मारना है, जिसके चांटे में सबसे ज्यादा जोर होगा मैं उसे ये रिक्शा चलाने के लिए दूंगा। दरअसल विभूति और तिवारी दोनों को घर से निकाल दिया गया है। दोनों बेले होकर तालाब के किनारे बैठकर
एक दूसरे को कंपनी दे रहे हैं और पानी बचाने की बात कर रहे हैं। वहीं पर आता है पेलू अपनी नई साइकिल रिक्शा लेकर। नारियल फोड़कर प्रार्थना करके वो भी बैठ गया विभूति तिवारी के पास। और विभूति जी ने जब पूछा कि ये दूसरा साइकिल रिक्शा हमें दे दो, तब पेलू ने अपनी चिट्ठी के जरिए बता दिया कि दोनों को आपस में चांटा मारना होगा और जिसके चांटे में ज्यादा दम होगा उसे ही साइकिल रिक्शा चलाने का मौका मिलेगा। तो फिर क्या था, विभूति तिवारी ने शुरू कर दिया ये चांटा मारने का कंपटीशन और जीत गए विभूति नारायण। यस, आप द विनर, आप द विनर, आप द विनर। ये कहानी थोड़ी सी ऐसी है कि दोनों घर से निकाल दिए गए हैं, सड़कों पर आए, धीरे धीरे जो है राजा से रंक की हो गए हैं, खाने के लाले पड़ गए हैं, ये है वो है, और एक भिखारी जो है वो जो इनसे ज़्यादा बेहतर खा रहा है। अब अचानक जो है वो पेलू नया रिक्शा ले आया और उसने जो है कहा है कि रिक्शा तब चलाने दूंगा जब थप्पड़ का कंपटीशन होगा। है तो बड़ा ख़तरनाक लेकिन उसको बड़े मज़ेदार ढंग से प्रेजेंट करेंगे, लेकिन उसके लिए कंपटीशन बड़ा हार्ड रख दिया कमबख्त ने। अब विभूति जी जीत गए मगर तिवारी जी की आस टूटी, तो पेलू ने उनके लिए भी दूसरी चिट्ठी निकाली जिसमें लिखा था कि वो भी तिवारी जी को 5,000 रुपए सब्जी का ठेला चलाने के लिए देगा। तो तिवारी जी को भी मिल गया सहारा। तुम अपना थोड़ा मत लटकाओ, मैं तुम्हें भी 5,000 देता हूँ सब्जी का ठेला डाल लेना, बाद में मुझे वापस कर देना। उनको ये था कि मैं तुम्हें एक छोटा सा बिजनेस देता हूँ ताकि तुम 2 पैसे कमा लो। मगर पेलू को असली खुशी तो तब मिली जब उसने इस तालाब में नहाने आए इस बिकिनी बॉय को देखा। जैसे ही इसने तालाब में जंप लगाया पेलू के चेहरे पर हंसी आ गई। मुंबई से राज दीक्षित की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए कहानी चाहे जितने भी ओल्ड फैशन्ड हो, रिग्रेसिव हो, लेकिन अवतार और इनके अंदाज एकदम मॉडर्न वाले होते हैं। हम बात कर रहे हैं दिव्य दृष्टि की। अब इसमें पिशाचनी हो, चुड़ैल हो, डायन हो, लेकिन देखो फैशन के मामले में ना हमारी लड़कियां टोटली अप टू डेट है। तभी तो यहाँ पर हो रही है गाउन पार्टी। अभी कल ही की तो बात है जब पिशाचनी की शक्तियां गायब हो गई थी, और लीजिए एक कुछ ही पलों के बाद अब लगता है उसकी शक्तियां वापस आ गई हैं। अब घर में जश्न का माहौल है क्योंकि दृष्टि के ससुर जी जो आए हैं, बड़े दिनों बाद उसी की खुशी में घर में एक पार्टी दी गई है। और जरा देखिए इस पार्टी के मौके पर दिव्या, दृष्टि, लावण्या, पिशाचनी, मामी जी, चाची जी, इन सब ने एक से बढ़कर एक गाउन को चुना है। हमने बहुत ही एक इवनिंग गाउन दिया है, बहुत ही अच्छा प्रिटी सा ग्रे और वाइट कलर का, इसमें कैन कैन है, और साथ में ग्लव्स दिए हैं, और ज्वेलरी हमने बहुत ही मिनिमल रखी है, सिर्फ एक स्टड दी है ईयरिंग, और हेयर स्टाइल हमने काफ़ी कर्ल करके बंद किया है। जंगलों में भी थोड़ा ग्लैमर ला रहे हैं। नहीं, हमारे घर में एक बहुत बड़ी पार्टी हो रही है मेरे भाई। किसी ने सच ही कहा है कि लोगों के चेहरे पर ना और उनकी मासूमियत पर कभी नहीं जाना चाहिए। क्या है कि चेहरे के पीछे उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये एकदम अंदाजा लगाना इसका ना बड़ा मुश्किल होता है। अब सूफियाना प्यार में ही ले लीजिए। जी हाँ, एक तरफ है कायनात तो दूसरी तरफ सल्तनत। दोनों की शक्लें जैसी हैं लेकिन कायनात का दिमाग
उफ बाबा रे, लीजिए अपनी ही मौसी को डुबा डुबा के मारने की तैयारी में है ये। बहन जो बहन होने का रिश्ता नहीं निभा पाई, आखिर वो भला एक किसी और रिश्ते को क्या निभाएगी। हम बात कर रहे हैं कायनात की, जो अपनी ही मौसी की जान लेने की कोशिश कर रही है। हाँ, बस अब कायनात को ऐसा लग रहा है कि मासी की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वो कुछ करती तो है नहीं, मतलब जो भी करती है सब फेल होता है, तो बेटर है कि मारी दे, और शायद उसने जो भी किया है उसका जो भी इल्ज़ाम है वो उन पे डाल दे और सल्तनत को कभी कुछ पता ना चले। हाँ, वो अलग बात है कि मौसी की जान तभी जाएगी जब इस बॉक्स में पानी भर जाएगा, और फिलहाल अभी पानी भरने का कोई मूड नजर नहीं आ रहा है। जरा देखिए ना, शूटिंग वाले कैसे इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बॉक्स भरेगा और मौसी जी का काम तमाम होगा। नहीं, वो पानी भर रहा है ना। You want to say something? हम थोड़ा सा आपको हाँ सुबह हो जाएगी थोड़ी सी पानी भरते भरते, बट ठीक है। अब बॉक्स इतना बड़ा है और पाइप में पानी इतने स्लोली स्लोली आ रहा है, जिसके चलते वक्त लग रहा है। बेचारी मौसी कब से इस बॉक्स में खड़ी है, इंतजार कर रही है कि पानी कब भरेगा। वैसे कायनात के तो हमने अब तक कई रूप देखे हैं, ये रूप भी उसी में से एक है। और देखिए तो सही क्या कह रही है कायनात। उसे लग रहा है कि जो हरकत अब वो अपनी मौसी के साथ कर रही है, अगर वैसा ही उसने सल्तनत के साथ किया होता तो आज वो जिंदा नहीं होती। अब प्यार को पाने के लिए इंसान पागल हो जाता है, इस बारे में सुना था लेकिन अब देख भी लिया। मुंबई से निशि मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। बैड बॉय शाह, मेरा मतलब है बादशाह, काफी चर्चा में है। भाई क्या करें, उनके गाने एकदम क्रेज जो मचाए हुए हैं। जी हाँ, और वो आइकॉनिक सॉन्ग ऑफ सुनील शेट्टी एंड रवीना टंडन, शहर की लड़की, विल नेवर माइंड माय वॉइस। लेकिन पॉइंट की बात ये है कि जब हर कोई चर्चा कर रहा है बादशाह की, तो हमने भी उन्हें पकड़ लिया, बोला कि भैया सास बहू और साजिश के 15 साल पूरे होने वाले हैं, एंड ही वॉज टोटली फ्लोर्ड। तो ऐसे में 15 साल 30 सवार आज बादशाह के साथ। हेलो, क्या हम अंदर आ सकते हैं? लो खाना वाना कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं, थैंक यू पूछने के लिए। कैसे हैं आप? हमें बाहर पता चला थोड़ी सी तबीयत नासाज, मौसम का लगता है बहुत असर हो रहा है। होगा, मुझे लग रहा था नहीं होएगा असर, लेकिन हो गया। ओके, लंच टाइम पे पहुंचे हम, तो क्या खा रहे हैं आप वो बताइए। मैं पनीर और नान खा रहा हूँ, मम्मा हमेशा खाते हैं। मेरा फेवरेट फूड है, मेरा कंफर्टिंग फूड है। जब मैं स्ट्रेस्ड होता हूँ, मुझे मना किया बाहर का खाना खाने के लिए,
बट मैं खा रहा हूँ। स्ट्रेस किस चीज़ का है इस वक्त बादशाह को? मतलब हम तो आए थे खुशी मनाने की सॉन्ग ट्रेंड कर गया, 24 घंटे में 75 मिलियन पहुँच गया। नहीं मतलब जब मैं बुखार गया जैसे थोड़ा थका वगैरह होता हूँ तो हो गया मेरा खाना। थैंक यू। ओके पहले मैं पूछना चाहूँगी आदित्य प्रतीक सिसोदिया इनसे मिले हैं आप? इस टाइम वही हूँ मैं, जिस जैसे मैं खाना चाहता हूँ। आई थिंक बादशाह ऐसा नहीं खाएगा ना, बादशाह कटलरी वटलरी वाला बंदा है। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं वही हूँ। नाम की कहानी बताइए बिकॉज हम जानना चाहेंगे। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ शाहरुख खान जी का, और जब मैं अपने लिए नाम ढूंढ रहा था स्टेज का नाम, तो तभी उनकी एक फिल्म आई थी बादशाह, तो मुझे लगा यार मैं वो ना नाम रख लेता हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत सही लगा, तो इसलिए मेरा नाम बादशाह पड़ गया। अच्छा पढ़ाई थी तो शुरू से था कि रैपर बना या फिर इसके लिए मशक्कत की थी आपने? पढ़ाकू इंसान हूँ मैं, था मतलब पढ़ाई में बहुत करता था, और कॉलेज में आके मेरे को थोड़ी सी हवा लग गई, तो कॉलेज में मुझे लगा कि यार ये मतलब 12वीं तक मैंने फुल पढ़ाई करी क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला चाहिए था, तो जब इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गया तो फिर मैं घर से दूर चला गया, फिर मुझे हवा लग गई, फिर वहाँ मैं गाने वाने सुन रहा, फिर मुझे लगा मतलब और गाने सुनने लग गया, पहले भी सुनता ही था बट वो पहले बैकग्राउंड में थे, वो बैकग्राउंड से कब फोरग्राउंड में आ गया पता ही नहीं चला। ओके कैसे बीतता है आपका दिन? आप अगर सॉरी आप तो दोपहर को उठते हैं ये मुझे पता चला, हाँ तो आपका वक्त कितने बजे से कितने बजे तक शुरू होता है? और मेरा टिपिकल दिन उठता हूँ, उठते ही जिम जाता हूँ, कार्डियो करता हूँ। वेट लॉस की तैयारी चल रही है? वेट लॉस तो नहीं, जब मैं शो करता हूँ तो स्टेमिना चाहिए, तो उसके लिए कार्डियो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो फिर वो करता हूँ, और उसके बाद फिर मीटिंग्स इधर उधर म्यूजिक अपना जो भी दिनचर्या नॉर्मल वो शुरू हो जाती है। अच्छा एक दुनिया को बहुत जल्दी लग जाता है कि यार इसे तो स्टारडम मिल गई इजीली, बट एक स्टारडम के पीछे की कहानी होती है, कई रिजेक्शंस होते हैं, आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस है? स्टारडम मेरे को समझ नहीं आता होता क्या, मतलब क्या स्टारडम है क्या? okay. मैं तो जनरली आपसे हाँ. पूछ रहा हूँ कि स्टारडम मतलब है कि लोग आपको पहचानने लग जाएं? आपको स्ट्रेस किस बात का होता है? मुझे स्ट्रेस होता है जब मैं लेट हो रहा हूँ किसी चीज़ के लिए, मुझे स्ट्रेस होता है फ्लाइट के लिए लेट हो रहा हूँ, मुझे स्ट्रेस होता है, मुझे स्ट्रेस होता है कई बार वेट का भी हो जाता है स्ट्रेस, जब मैं खा रहा हूँ यार रुक नहीं रहा, खाए जा रहा हूँ उसके स्ट्रेस में और खाता हूँ। नॉर्मल चीज़ों का स्ट्रेस होता है, लाइट आज लाइट तो नहीं चली जाएगी, मैं मेरा फ़ोन उस पर रहता है, मेरा अभी भी प्रीपेड है मेरा फ़ोन। क्या बात कर, कितने की महीने के रिचार्ज होते हैं आपके? मेरा नेट का रिचार्ज, एक तो एयरटेल वालों से मैं दरख्वास्त करूँगा, मेरा 6 GB का ही रिचार्ज होता है एक बार में, वो मेरा जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो वो बड़ा स्ट्रेस रहता है, मेरा रिचार्ज तो नहीं ख़त्म हो गया, तो जब भी नेट स्लो होता है तो मेरे को ऐसा लगता है रिचार्ज तो नहीं ख़त्म हो गया, तो ये स्ट्रेस है। अरे बाप रे। इसका सबसे टफेस्ट सॉन्ग कौन सा रहा है जो लगता है आपको कि यार? अभी एक साहो का मैंने गाना किया, उसमें मैंने तेलुगु में गाया, तो पता नहीं मैंने कैसे गा दिया, वो डिक्शन टीचर थे वहाँ पे तो बैठे थे, प्लस उनकी रिक्वायरमेंट्स भी फिल्म के हिसाब से थी थोड़ी सी, तो वो थोड़ा टफ था मेरे लिए। आपने बोला ऑफेंडेड, मतलब मैं बिल्कुल ऑफेंड नहीं होता, मुझे पता है एक दिन आएगा जब मुझे कहेंगे चल भाई निकल तेरा बहुत हो गया, तो बहुत दिमाग ख़राब कर लिया तूने बहुत दिमाग खा लिया, मैं तैयार हूँ उस दिन के लिए, मैंने अपनी जगह दे रखी है, मेरा मैं वहाँ झोपड़ी बनाऊँगा वहीं रहूँगा। बट मैं जाना चाहता हूँ, लाइक आई जस्ट वांट अ रिटायर्ड डिग्निटी। खाने पे कभी क्यों नहीं खाना बनाया? चलेगा नहीं इतना मुझे ऐसा लगता है, बट कुछ बनाया है कभी सोचा? बनाते बनाते ही मोटा हो गया मैं मुझे ऐसा लगता है। बट कभी आपके लिए फेवरेट सिंगर कौन है? जो अरिजीत सिंह जो गाते हैं ना यार, बहुत खतरनाक गाते हैं वो। रोते हो आप उनके गाने सुन के? मेरे को क्या जरूरत है रोने की, मेरे और बड़ी चीजें हैं रोने के लिए, गाने सुन के। अगर आप रैपर नहीं होते तो क्या होते? बट मैं बाउंसर होता। आप पागल किस चीज को देख के हो जाते हैं? मतलब मुझे ना इंसान की सटक गई है। अच्छा खाना सटक जाता है।
गाड़ी मतलब सुंदर एक अच्छी गाड़ी, गाड़ियों के पीछे जूते। एक गाड़ी तो अभी अपने अपने मम्मी पापा को दी है वहाँ घर पे। उनको नहीं दी मैंने लिया वो अच्छा जूते कपड़े खाना गाड़ी मटेरियलिस्टिक आदमी ओके गुस्सा किस चीज से आता है आपको गुस्सा? हाँ मीडियोक्रिटी। ओके आप एक चीज जिससे भागते हैं? मैं? हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आंसरेबल होना किसी को। तो आपकी वाइफ नहीं गुस्सा करती? क्वेश्चंस मैं भागता हूँ ना फिर बहुत भागता हूँ। कितनी शिकायतें आपकी वाइफ को आपसे रहती है? बहुत 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 हर चीज पे शिकायत है। क्या क्या बोलती रहती है वो आपको? मैं सुनना ही बंद कर दिया। हाँ अच्छा ठीक है ओहो सॉरी मतलब तो चार वर्ड्स है मेरी वोकैबुलरी अच्छा ठीक है ओहो सॉरी मतलब हर हर चीज़ पे जाता है आज ये हो गया अच्छा लेकिन अभी ठीक है ओहो सॉरी। सोशल मीडिया पे किसे स्टॉक करते हैं आप? सबको सबको पांच लोग बताइए जिनके अकाउंट चेक करते हैं। फिर स्टॉकिंग कैसे करूँगा मैं तो उनको पता चल जाएगा मैं स्टॉक करता हूँ। मैं बहुत लोगों को स्टॉक करता हूँ उनको और मैं चाहे उनको उनको पता भी नहीं मैं उनको स्टॉक करता हूँ वो सोच भी नहीं सकते थे मैं उनको स्टॉक करता हूँ। ओके एक चीज़ जो माँ बाप ने दी है एंड हर चीज पांच सबसे महंगी चीज़ आपने अपने लिए खरीदी है अब तक? अपने लिए हाँ मेरा घर मेरी गाड़ी मेरी घड़ी मेरे जूते जूते चश्मे हाँ नहीं मेरे कपड़े बहुत महंगे। हाँ एक्चुअली आप अपने लुक को लेके बहुत कॉन्शियस हो। कॉन्शियस नहीं मेरे को मतलब महंगे महंगे ब्रांड्स खरीद के पता नहीं मजा मैं जब तक पता नहीं है एक अजीब सी वो है बीमारी है ये। तो आप महीने का बजट लेके चलते हैं कि ऐसे ही उड़ा देते हैं? जिस दिन मैं बजट देख लेता हूँ उस दिन स्ट्रेस हो जाता है मेरे को। मैं बस अपने सीए से पूछता हूँ भाई मैंने ये खरीदना मैं खरीद सकता हूँ? मेरे को नहीं मेरे को मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ मेरे को पता नहीं मेरे अकाउंट में कितने पैसे। मैं मुझसे पूछता भाई मैं ये खरीद सकता हूँ? कहता हाँ खरीद लो। कई तो कई बार मुझे कह रहता है भाई पैसे ही नहीं है क्या करोगे? मैं कह सर ठीक है नहीं खरीदते फिर पहले जो पैसे होते हैं जब तो बड़ी बड़ी वेबसाइट पे जाता हूँ जब नहीं होते फिर अमेजोन पे चले जाते हैं कि चलो कुछ तो ले लें। सेल चलिए सेल से खरीदते हैं सेल मेरे को लेटेस्ट चाहिए किसी के पास ना हो। ओके एक वियर्ड कंट्रोवर्सी जो आपने अपने बारे में सुनी है एंड कि मेरे पास रोल्स रॉयस है। एक साल पहले ये कंट्रोवर्सी हुई थी कि मेरे पास रोल्स रॉयस है तो मैंने कहा यार ये है तो है नहीं मेरे पास तो मैंने चलो ले ही लेते हैं। ओके एक हिडन टैलेंट आपका? मेरा हिडन टैलेंट मैं तीन बॉल्स उछाल लेता हूँ इकट्ठे जगलिंग कर लेता हूँ। ओके लास्टली एक मिनट की अगर एक मेडली आप अपने सॉन्ग की कोशिश कर ले अभी तक थोड़ी सी कोशिश कर ले एक मिनट कोई और क्वेश्चन पूछ लो ये रहने दो लास्ट है अब सिंगर हो आप एक मेडली तो मैं ले लो थोड़ा सा सिंग पागल पागल गा दूँ मैं तेरी मम्मी की जय क्या चीज़ बनाई दूध पे जैसे आई हो मलाई चिटी चिटी बैंग बैंग चिटी कलाई तेरी आग लगाते जैसे दिया सलाई मैं इंटरनेशनल पर गाने मेरे लोक तू है सेक्सी बाकी है सोसो मैं तेरा काका तू मेरी कोको घर में कितनी तुझ में रोटी खाती तू किस आटे की हाथ लगाओ देखे ऐसे जैसे काटे की होर दस किन्नी तरीफा चाहिदियां तेनू। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।
अनन्या शर्मा पहुंची हैं काल भैरव के द्वार उज्जैन, जिसे महाकाल की नगरी कहा जाता है, जो सात मोक्षपुरी में से एक है। हमने प्लान नहीं किया था, पर जहाँ के दर्शन आई थिंक होने होते हैं वो होने ही होते हैं, यू नो आप नहीं रोक पाओगे उसको। काल भैरव के दर्शन भी मुझे हो गए, बहुत स्पेशल, बहुत ही एक्सक्लूसिव दर्शन मुझे मिले हैं, और बहुत प्यार से उन लोगों ने यू नो अंदर लिया, ऐसे वॉर्म वेलकम, एंड इवन द पीपल हियर इज यू नो एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुल, एंड यू नो कोई हैसल नहीं है। यू नो मैंने मूर्ति देखी, मैंने नहीं देखी है ये सारी मूर्ति पहले, एंड यू नो द फीलिंग इज़ ब्यूटिफुल, वहाँ पे टच करना, वहाँ खड़े होके, और आरती मेरे साथ मंत्र उच्चारण कर रही थी, मुझे नहीं आता था वो काल भैरव का, तो उसने किया, एंड इट्स अगेन अ ब्लेसिंग टू बी हियर। वैसे ही पौराणिक शहर उज्जैन की रखवाली करते हैं काल भैरव, उन्हीं काल भैरव के दरबार में पहुंची हैं निया शर्मा पूर्ण भक्ति भाव के साथ। काल भैरव की प्रसन्नता के लिए निया ने बड़े ही प्रेम से पूजा सामग्री ली, और हाँ वो खास प्रसाद भी जो काल भैरव की मूर्ति को चढ़ाया जाता है। समस्त विश्व में ये एकमात्र ऐसी काल भैरव की मूर्ति है जिन्हें मदिरा का प्रसाद चढ़ाया जाता है, निया के लिए ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। मैं ये बहुत मुझे थोड़ा सा वो लगा स्ट्रेंज, काल भैरव की मूर्ति पर दारू चढ़ाई जाती है, तो वो लिया हमने एज प्रसाद। उज्जैन जो भी आता है वो काल भैरव के दर्शन जरूर करता है, और काल भैरव के दर्शन के बिना उज्जैन की यात्रा भी तो अधूरी मानी जाती है, तो निया ने यह यात्रा पूरी कर ली काल भैरव के दर्शन करके। मेरे लिए बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है, एंड आई एम रियली रियली ग्लैड, थैंक यू। मगर हाँ, हमारे दर्शकों के लिए यात्रा जरूर अधूरी है, क्योंकि बहुत जल्द हम आपको दिखाने वाले हैं कि निया ने किस तरह ज्योतिर्लिंग महाकाल के दर्शन किए। उज्जैन से आरती गुप्ता पांडे के साथ कैमरामैन आतिश कामले की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। माता की चौकी पर या माँ के दरबार में अगर कोई जाता है तो दिल के सुकून के लिए जाता है, लेकिन बिचारी शिविका, भाई प्यार के पापड़ वाली शिविका, इनको तो वहां पर भी शांति नसीब नहीं हुई, क्योंकि माता के भजन के बीच में तानों की बरसात जो होने लगी। जगारा सेरा वाली माता का बोल साचे दरबार की जय। सीरियल की बहू जहां भी जाए ताने जरूर सुनने मिलते हैं। प्यार के पापड़ की शिविका भी पहुंची थी माता की चौकी में, जहां भजन के साथ साथ ताने भी सुनने मिले, और वो भी किसी महिला से नहीं बल्कि एक अंकल ने ताना मार दिया, बोल दिया कि शादी कर ली, वो भी चुपचाप, किसी को बुलाया भी नहीं, अरे कम से कम भोजन ही करवा देते। सुना रहा कि शादी में बहुत दिक्कत आई, रहा समाज और बिना रिश्तेदारन की ही शादी हुई गवा, अरे कम से कम रिश्तेदारन के बुला के खाना तो खिला दिया होता। भोजन के भूखे अंकल ने शिविका के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। जाहिर है लोग बातें करेंगे, हम उन्हें रोक तो नहीं सकते, लेकिन चाची जी ने जो जवाब दिया इसके ऊपर, क्योंकि उनकी फीलिंग्स है, वो जो फील करते हैं वो करते हैं, हम उनकी फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपनी जगह शायद सही होंगे, लेकिन चाची जी ने जो जवाब दिया कि जितना भी खर्चा किया उन्होंने अपने हिसाब से किया, और जितने भी पैसे बचाए हैं वो अपने शायद फ्यूचर के लिए बचाए होंगे, क्योंकि आखिर उन दोनों को खुश रहना है, और अगर लव मैरिज की है और वो खुश रह रहे हैं तो उसमें किसी को शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे यहाँ तरह तरह की बातें हो रही थी, कोई जल्दी से गोद भरने की बात कर रहा था तो कोई कुछ और, तो बस माता रानी गोद भरते। अब शिविका बिचारी क्या बताएं कि घर पर भी तो बड़ी मुसीबत है, क्योंकि घर पर ओमकार की दोस्त जो आ गई है, और अब तो उसने शिविका को चैलेंज भी दे दिया है। अब ये खुला खुला चैलेंज उसने मुझे दे दिया है,
तो अभी पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं तो कोशिश कर रही हूँ बीइंग वाइफ कि हमारे रिश्ते को बचा सकूं। शिविका अपने पति की सहेली को सौतन बनने से रोकने के लिए ही माता की चौकी में शक्ति पाने आई थी, मगर यहाँ भी ताने मिले। अब शिविका जाए तो जाए कहाँ, उसके प्यार के पापड़ तो उड़ने की तैयारी में है। मुंबई से सुमावेद अवस्थी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए, चिड़िया के घोंसले तो आपने देखे हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जी हाँ, सब चिड़िया अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपना घोंसला बनाती है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे विषकन्या का घोंसला, यानी कि विष की विषकन्या सबरीना का घोंसला। एंड गेस व्हाट, यहाँ पर कोई छोटे छोटे नन्हे मन्ने बच्चे नहीं है, यहाँ पर तो उनका पति है विषैला सा। बड़े घोंसले को देखकर आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि दुनिया में आखिर ऐसी कौन सी चिड़िया है जिसको रहने के लिए इतने बड़े घोंसले की जरूरत पड़ती है। अब इस घोंसले को बड़े ही प्यार से बनाया गया है, और किसके लिए वो भी आपको बता देते हैं। सबरीना का पति, जैसे कि हम सब जानते हैं, एक विषैला है। फिर क्या वो विषैला अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है? पत्नी सबरीना अपने पति को यूं मरने तो देगी नहीं, इसीलिए उसने अपने पति की जान बचाने के लिए जीव बूटी फूल ले आई है, और इस घोंसले पर लेटे हुए विषैले को उसने ये फूल सुंघा दिया। ये तो मैं लेकर आई हूँ जीव बूटी का फूल, मतलब लोगों के पास नॉर्मल फूल होते हैं, मेरे पास जीव का जो बूटी होता है वो फूल है। और लेकर तो पहुँच गई, लेकिन बहुत लेट हो गया था तो मर ही गया था विषैला, और लेकिन जीव बूटी के फूल में दम है कि विषैला की जान बचा दी। अब इस सीरियल की माया है, एक घोंसले में अंडे दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों की जान बचाने के लिए उसे घोंसले पर लेटाया जा रहा है। इतना बड़ा घोंसला पहली बार हम देखकर दंग हो गए। तो बताइए सबरीना, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? ये बोलूंगी कि हमारे शूटिंग के जो टेक्नीशियंस होते हैं, जो सेटिंग वाले दादा, ये वो लोग कुछ भी बना सकते हैं, मतलब 5-star होटल से लेके घोंसला। सो आई मीन दे आर ब्रिलियंट, आपको कुछ भी चाहिए इन लोगों से मिल जाएगा। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, आज घोंसला दिखाया गया है, एक कल इसी पर दिखाया जाएगा कि सीरियल के किसी किरदार ने अंडे भी दे दिए। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।